अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर दिनोली स्कूल कायद कैंपस क्लास वन में स्पेनिश। सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, पेज नंबर आज हम उसका करेंगे 18 और लेक्चर नंबर है 12। लुक एट द पेज नंबर 18 फर्स्ट, राइट द नंबर्स दोज इट दैट इज। ये हमने टेंस और वंस प्रीवियस पेजेस में हमने उसका कॉन्सेप्ट लिया था, ये उसी से रेलिवेंट एक और पेज है। डिफरेंट स्टाइल से हम करेंगे, टेंस और वंस को शो ऑफ करेंगे, फिर नंबर्स को भी शो करेंगे और इसके अलावा हम उसको वर्ड में भी जो है ना उसको शो करेंगे कि कौन से नंबर कौन से वर्ड में है और कौन से नंबर में है और कौन से टेंस एंड वंस में है। तो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं राइट द नंबर दैट इज़ कौन सा नंबर है। टेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं, हमने नंबर्स जो हैं वो राइट करने हैं। पार्ट ए की तरफ देखें, 110 एंड 2 वंस 12, 110 एंड 5 वंस 15, 110 3 वंस 13, 110 0 वंस 10, 110 9 वंस 19, 110 1 1 11, 110 एंड 7 वंस 17। उसके बाद देखिए, राइट द वर्ड एंड इन फिगर्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पार्ट ए को देखिए, ऑलरेडी आपके सामने डन है। यहाँ पे हमने वर्ड्स को जो है वो राइट करना है कि कौन से नंबर का कौन सा वर्ड है। 110 एंड 11, इट्स मीन दैट 11, 11 के स्पेलिंग क्या होते हैं, ELVEN 11, एंड उसको नंबर्स में लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से 11 करके 11 लिख देंगे। पार्ट बी को देखिए, 110 एंड 8 वंस, यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे 18 के, EIGHTEEN 18, 18 को हम नंबर्स में भी राइट कर देंगे। पार्ट सी को देखें, 110 एंड 0 वंस, इट्स मीन दैट 10, 10 को हम राइट करेंगे TEN 10, 10 को नंबर में भी राइट करेंगे। पार्ट डी को देखें, 110 एंड 4 वंस, इट्स मीन 14, FOUR 4 TEEN 10 14, 14 को हम स्पेलिंग्स में भी राइट कर देंगे। उसके बाद देखें पार्ट ई, 110 एंड 6 वंस, 110 के साथ जब 6 वंस को मिलाया तो वो बन गए 16, 16 की स्पेलिंग राइट करेंगे SIXTEEN 16, 16 को हम नंबर्स में भी राइट कर देंगे। पार्ट एफ को देखें, 110 एंड 2 वंस, इट्स मीन दैट 12, 12 की स्पेलिंग लिखेंगे TWELVE 12 और उसको नंबर में भी राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वर्ड्स में भी राइट कर लिया और नंबर्स में भी राइट कर लिया और ऑलरेडी टेंस एंड वंस में हमारे पास राइट हुआ था, हमने कंप्लीट किया वर्ड्स के साथ और नंबर्स के साथ। तो ये पेज आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है और उसको समझना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है और जिसकी स्पेलिंग जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है।